नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 38, जो कि क्लास बीएससी थर्ड ईयर व बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए लागू होता है। मैं एक थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ बीएससी बीएड सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनके पूरे एंडोक्राइनोलॉजी का जो बुक है वो नहीं लगती है। उनके जो थोड़ा सा पार्ट लगता है एंडोक्राइनोलॉजी का, केवल जनन से संबंधित हार्मोन है और कुछ एक हार्मोन है, वो हार्मोन जो मनुष्य के संदर्भ में है वही लगते हैं उनके। केवल उनके सिलेबस में ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपने पढ़ रहे हैं इंसेक्ट की, ये इनके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ बीएससी बीएड सेकंड ईयर, तो बीएससी बीएड सेकंड ईयर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उनके कुछ जो ह्यूमन हार्मोन्स है जो हम कुछ पढ़ चुके हैं, कोई एक आध जो अपना शेष बचा है वही इनके सिलेबस में है और सारा इनके पूरा सिलेबस में नहीं है। सॉरी। तो देखिएगा स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में जब हमने पढ़ा था, अपना टॉपिक चल रहा था हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स, ये चल रहा था अपना कीटों के हार्मोन। तो कीटों के जो हार्मोन थे वो मैंने बताए थे, मैन जो थे अपने पहला पढ़ा था PTTH हार्मोन, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन, दूसरा था अपना इकडाइसन हार्मोन, तीसरा था अपना कौन सा JH जुवेनाइल या न्यूटिनिन हार्मोन, और चौथा ब्यूसिकोसन हार्मोन, और जो पांचवा हार्मोन था अपना वो था एग्लोजिन हार्मोन। तो ये अपने पढ़ रहे थे हार्मोन। तो इसमें से अपने कल ये PTTH कर लिया, जो कि आपको बताया था किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, न्यू सेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन के द्वारा स्रावित होता है। इकडाइसन हार्मोन अपने देख लिया था, ये जो इकडाइसन हार्मोन है प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है और जो कि मोल्टिंग के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और साथ में मेटामॉर्फोसिस के लिए जिम्मेदार होता है। आज अपने बात करेंगे थर्ड हार्मोन, जिसको हम जुवेनाइल हार्मोन या न्यूटिनिन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूटिनिन या जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी हम बात आज करेंगे। फिर उस डायग्राम से अपने समझने का प्रयास करेंगे इन तीनों हार्मोन को। इसको शॉर्ट में कहते हैं JH हार्मोन या NH, शॉर्ट में अगर अपने नाम बोले तो इन दोनों का। अब देखिएगा जुवेनाइल हार्मोन की यदि हम बात करें, तो जुवेनाइल जो हार्मोन है ये स्रावित होता है कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा। कॉर्पोरा एलेटा जो है ग्रंथियाँ जो है ये कॉर्पोरा कार्डिका के थोड़ा सा नीचे की स्थित होती है, एक जोड़ी होती है। और ये जो हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है कि तीन मुख्य कार्य करता है। क्योंकि हमने बात की थी प्रोथोरेसिक ग्लैंड के हार्मोन जो है इकडाइसन, ये तो केवल लार्वावस्था में ही यानी डेवलपमेंट के दौरान ही काम करता है, परंतु ये जो जुवेनाइल हार्मोन है या न्यूटिनिन हार्मोन है जो कि कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा स्रावित होता है, ये हार्मोन जो है इस डेवलपमेंट स्टेज में तो पाया ही जाता है, परंतु साथ में ये जो है वैश्विक अवस्था के अंदर भी अपना कार्य करता है या वैश्विक अवस्था के अंदर भी पाया जाता है, जिसके कार्य भी अपने देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो पहली बात तो ये जो जुवेनाइल हार्मोन है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा स्रावित होता है। कॉर्पोरा एलेटा कॉर्पोरा कार्डिका के पास स्थित होती है और कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा ये हार्मोन बनते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि कॉर्पोरा एलेटा एक ऐसा अंग है जो कि न्यूरोसेक्रेटरी ऑर्गन नहीं होता है, इसके अंदर तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये जो जुवेनाइल हार्मोन है इसकी जो शब्द यूज किया था विलियम्स ने, इसको स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन कहा जाता है। और स्थिति बनाए रखने का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट स्टेजेस के दौरान ये हार्मोन जो है लार्वावस्था को लार्वावस्था में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। स्थिति बनाए रखने का मतलब क्या है? ज्यों का त्यों बने रहना। ज्यों का त्यों यहाँ पर मतलब क्या है कि ये हार्मोन जब भी स्रावित होता है या जब भी बनता है तो जो कीटों की लार्वावस्था है वो लार्वावस्था में बनी रहती है, यानी वो मेटामॉर्फोसिस की ओर नहीं जा पाती है। यूँ कह सकते हैं कायंत्रण का ये एक तरीके से विरोध करने वाला हार्मोन है, या यूँ कह सकते हैं कि इकडाइसन का ये विरोधी हार्मोन है। और ये जो जुवेनाइल हार्मोन है इसके लिए इसीलिए शब्द यूज किया गया है
विलियम्स के द्वारा स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन। उसके अलावा इस हार्मोन की दूसरा यदि हम कार्य की बात करें तो मैन कार्य तो क्या हो गया कि ये लार्वावस्था को लार्वावस्था में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा जो मुख्य कार्य है ये क्या करता है कि ये ग्रंथि जब डेवलपमेंट होती है उस समय सक्रिय रहती है, उसके बाद में ये वापस से वयस्क अवस्था में पुनः सक्रिय हो जाती है। तो नर के अंदर जो लैंगिक जननांगों का विकास है वो भी इस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो नर की जो लैंगिक जननांग हैं उनका विकास है इस हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो है मादा के अंदर। मादा के अंदर ये क्या करता है कि तो पित्तकजन विट्रिलोजेनेसिस की जो घटना होती है यानी अंडे के अंदर पित्तक के जो निर्माण की क्रिया है, और पित्तक निर्माण इसके अंदर चूंकि अंडे जो अतिपित की होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है परिवर्धन जो है वो पाया जाता है। परंतु मैं ये बता देता हूँ कि अतिपित की तो हम नहीं कहेंगे, मध्यपित के अंडे कह सकते हैं क्योंकि कीटों के अंदर लार्वावस्था पाई जाती है इसलिए अंडे जो हैं वो मध्यपित की होते हैं। तो मध्यपित के जो अंडे हैं उनके अंदर जो पित्तक की मात्रा बनती है वो बनाए रखने के लिए या मादा के अंदर उन अंडों के अंदर पित्तक निर्माण करने के लिए भी जुवेनाइल हार्मोन या न्यूटेनिन हार्मोन का होना आवश्यक है। उसके अलावा मादा के अंदर जो अंडों का परिपक्वन है उस परिपक्वन के लिए भी इस हार्मोन का होना आवश्यक है। तो ये चार मुख्य कार्य जो हैं वो इस हार्मोन के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो पहला क्या है, ये लार्वावस्था को लार्वावस्था में प्रेरित रहने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा कार्य क्या करता है, ये नर के अंदर लैंगिक जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। तीसरा मादा के अंदर ये पित्तक निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है अंडों में। चौथा अंडों के परिपक्वन के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। अब देखिएगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि शब्द यूज किया ना जुवेनाइल, जुवेनाइल का अर्थ वैसे होता है किशोर या एक यूँ कह सकते हैं कि कम विकसित अवस्था। जुवेनाइल का यहाँ अर्थ क्या होता है, कम विकसित अवस्था। और कम विकसित का मतलब यहाँ पर क्या है, लार्वा या प्यूपा या निम्फ से है। तो लार्वा प्यूपा या निम्फ अवस्था उसी अवस्था में बने रखने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसका शब्द जुवेनाइल यूज किया। और न्यूटिनिन का मतलब भी क्या था, न्यूटिनिन यानी लार्वा अवस्था। लार्वा अवस्था को इंग्लिश में या दूसरा जो शब्द यूज कर सकते हैं अपने न्यूटिनिन कह सकते हैं। तो न्यूटिनिन का मतलब भी क्या होता है, लार्वा ही होता है, इसलिए इनको शॉर्ट में जेएच और एनएच भी अपने कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये हार्मोन कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा संश्लेषित होते हैं, संश्लेषित होते हैं। दूसरा, ये हार्मोन लार्वा को लार्वा अवस्था में बने रहने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है लार्वा को लार्वा अवस्था में बने रहने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इसी कारण विलियम्स ने इसे स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन का है वाला हार्मोन कहा है। क्या कहा, इसको स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन कहा है क्योंकि लार्वावस्था को लार्वावस्था बने रहने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए इसको क्या कहा है, स्थिति बनाए रखने के लिए बनाए वैसी स्थिति बनाए रखता है। इसलिए क्या कहते हैं कि इसको हम स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन कहते हैं कि लार्वावस्था लार्वावस्था में, क्योंकि क्या होता है कि प्रत्येक कीट के अंदर लार्वावस्था फिक्स होती है कि कितने इंस्टार स्टेजेस आती हैं, उतने इंस्टार स्टेजेस के दौरान लार्वावस्थाएँ बनती हैं। तो उन लार्वावस्थाओं को बनाए रखने का काम ये जुवेनाइल हार्मोन करता है। उसके अलावा कायंत्रण के समय इस हार्मोन की सांद्रता लो हो जाती है जिससे लार्वा वयस्क में बदल जाता है। क्योंकि होता क्या स्टूडेंट, देखिएगा कि ये अगर हार्मोन बना रह गया
तो बना रहेगा। तो ये क्या हुआ कि एक डाइसन को अपना कार्य नहीं करने देगा, एक डाइसन अपना कार्य नहीं करेगा तो लार्वा अवस्था लार्वा में रहेगी। तो जैसे ही कायंत्रण होता है या यूँ कहते हैं कि इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अंतिम स्टेज आती है, जब लार्वा वयस्क में चेंज होना होता है, उस दौरान क्या होता है कि जो ये जुवेनाइल हार्मोन है या न्यूटिनिनी हार्मोन, इसकी सांद्रता एकदम कम हो जाती है या कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और एक डाइसन हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिससे क्या है, लार्वा किस्म चेंज हो जाता है, वयस्क में बदल जाता है। उसके अलावा ये हार्मोन नर में सहायक लैंगिक अंगों के विकास को प्रेरित करता है, विकास को प्रेरित करता है। ये भी क्या इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो जो नर के सहायक लैंगिक अंग हैं उनका जो विकास है वो इसके द्वारा प्रेरित किया जाता है, ताकि जनन की क्रिया आसानी से चलती रहे। इसके अलावा जो मादा है, मादा के अंदर अपने बात करें पित्तक जनन है, और जो अंड परिपूर्ण है उसको भी क्या करता है, ये प्रेरित करता है। मादा में पित्तक जनन व अंडों के परिपक्वन के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये देखिएगा, हमने बात की है कि जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होता है तो उस समय इसकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रंथि डीएक्टिवेट हो जाएगी या निष्क्रिय हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है कि केवल उस समय ये डीएक्टिवेट होती है, कब, मेटामॉर्फोसिस के समय इसकी सांद्रता कम होगी, उसके बाद में पुनः वयस्क में जैसे चेंज होता है, वे अवयस्क अवस्था में जब जाता है कीट, तो उसके दौरान ही वापस सक्रिय हो जाती है। तो ये अपना कौन सा हार्मोन है, जुवेनाइल हार्मोन या न्यूटिनिन हार्मोन है। अब हमने जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है बर्सिकॉन हार्मोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है अपने आप में। तो तीन मुख्य हार्मोन अपने पढ़ लिए, PTTH, सेकंड एग डाइसन, और थर्ड कौन सा, जुवेनाइल हार्मोन। तीनों के अपने बहुत ही विशेष कार्य है जो कि डेवलपमेंट से संबंधित है, उनके वृद्धि और विकास से संबंधित है। अब अपने बात करते हैं जो जुवेनाइल हार्मोन है उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है बर्सिकॉन हार्मोन है अपने, फोर्थ जो हार्मोन अपना कौन सा है, बर्सिकॉन हार्मोन। अब आपको मैं बताता हूँ कि बर्सिकॉन जो हार्मोन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो तंत्रिका कोशिका है उनके द्वारा क्या होता है, स्त्रावित होता है, एक प्रकार से न्यूरोसेक्रेटरी या न्यूरल हार्मोन होता है, न्यूरो हार्मोन होता है ये भी। नेक्स्ट हार्मोन अपना बर्सिकॉन हार्मोन है। बर्सिकॉन हार्मोन जो है वो अपना ये कह सकते हैं कि ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो स्त्रावित करती हैं, ये क्योंकि हार्मोन का स्त्राव करती है इसलिए इनको तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं भी कहा गया है। और जो ये हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये हार्मोन जो है इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है ये एपिडर्मिस होता है। ये हार्मोन जो है क्यूटिकल के परिवर्धन को क्या करता है, प्रेरित करता है। क्यूटिकल का जो परिवर्धन है तो वो क्या चीज़ है कि जैसे ही नया वयस्क का निर्माण होता है, जैसे ही ये कह सकते हैं कि जब मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो लार्वा अवस्था से किसका निर्माण होता है, वयस्क का निर्माण होता है। तो वयस्क के अंदर जो है एपिडर्मिस में क्यूटिकल का निर्माण करना आवश्यक होता है, और क्यूटिकल जो है वो कीटों के एक बाहर की सुरक्षात्मक लेयर होती है। तो क्यूटिकल निर्माण करने के लिए वयस्क में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, बर्सिकॉन हार्मोन जिम्मेदार होता है। और जो है क्यूटिकल को बनाना और उसे कठोर करना क्या कहलाता है, टैनिंग कहलाता है। तो टैनिंग के लिए यूँ कह सकते हैं, अगर वो सीधा बोलें कि टैनिंग के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो कौन सा है, बर्सिकॉन हार्मोन होता है। तो अब इसके बारे में यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस हार्मोन का स्त्राव सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व सेल द्वारा होता है। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हार्मोन नव निर्मोचित वयस्क में एपिडर्मिस
या यूँ कह सकते हैं कि इसका इस हारमोन का लक्ष्य अंग, इस हारमोन का लक्ष्य अंग बोल दिया सीधा थोड़ा सा, लक्ष्य अंग नव निर्मोचित वयस्क की एपिड्रमिस होती है, कि एपिड्रमिस होती है। ये हार्मोन वयस्क में एपिडर्मिस में क्यूटिकल निर्माण को प्रेरित करता है। अब क्यूटिकल का निर्माण ये प्रेरित करता है, और क्यूटिकल जो है इससे क्या होती है कि इसकी जो परत है वो बनती जाएगी एपिडर्मिस में, बनने के बाद में कठोर भी हो जाती है, जिस घटना को क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं, प्रेरित करता है, जिससे मोटी क्यूटिकल परत का निर्माण हो जाता है। इस घटना को टैनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको टैनिंग कहते हैं। तो ये ब्यूटसिकोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि नवनिर्मोचित वैश्य की जो एपिडर्मिस है वो इसका क्या होती है, टारगेट ऑर्गन होती है। और ये हार्मोन जो होता है ये क्या करता है कि एपिडर्मिस के अंदर जो क्यूटिकल निर्माण है उसको प्रेरित करता है, क्योंकि मैंने ये आपने पढ़ा हुआ है तिलचट्टी को जो पढ़ा था तो उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि क्यूटिकल पाई जाती है, क्यूटिकल की लेयर जो कि एक सुरक्षात्मक लेयर होती है जो कि जल से सुरक्षा करती है, और एक प्रकार का इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि कठोरता प्रदान करती है एपिडर्मिस को। तो उस क्यूटिकल का जो निर्माण है वो कौन से हार्मोन की उपस्थिति में होता है, ब्यूटसिकोन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। और ये जो हार्मोन है ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझते हो कि पेप्टाइड बंध से बना होता है, यानी अमीनो अम्ल से बना हुआ हार्मोन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं अमीनो अम्ल के बीच में, तो इसलिए कौन सा हार्मोन हो गया ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो ये अगला हार्मोन कौन सा है, ब्यूटसिकोन हार्मोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है टैनिंग, अब शब्द आया ना टैनिंग का मतलब ये होता है कि जो एक प्रकार से त्वचा जो उसको कठोरता प्रदान करता है, यूँ कहते हैं कि जो त्वचा की एपिडर्मल सेल्स है उसके अंदर क्यूटिकल्स की परत को मोटा करता है, जिससे जो है एपिडर्मिस है वो यूँ कह सकते हैं कि वो बाह्य आघातों को सहन करने की क्षमता उसको मिल जाती है इस टैनिंग के कारण या इस क्यूटिकल की परत के कारण। साथ में श्वसन के लिए जो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं वो स्पाइरेकल्स में भी क्यूटिकल की रिंग्स पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या है श्वसन करते समय कीटों के अंदर वो पिचकते नहीं है, और पिचकते नहीं है तो उनके कारण श्वसन भी इनमें चलता रहता है। तो क्यूटिकल का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो आपने तिलचट्टी के अंदर क्या है इसको पढ़ा है। तो ये ब्यूटसिकोन हार्मोन। पाँचवा जो अपना हार्मोन है वो है एग्लोजियन हार्मोन, कौन सा है, एग्लोजियन हार्मोन। एग्लोजियन हार्मोन ये जो हार्मोन है ये हार्मोन ब्रेन की न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स से बनता है। कौन सा हार्मोन, एग्लोजियन हार्मोन। ये हार्मोन प्यूपेरियम से जो निर्मोचन की क्रिया होती है, या यूँ कह सकते हैं प्यूपेरियम से जो वयस्क है उसको बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। यह हार्मोन प्यूपेरियम से वयस्क को बाहर निकालने को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, एग्लोजियन हार्मोन। अब देखिएगा ये भी पॉलीपेप्टाइड
हार्मोन है, हार्मोन है। अब प्यूपेरियम क्या होता है? ये जो बाहर प्यूपा के बाहर का जो आवरण होता है इसको क्या कहा जाता है? प्यूपेरियम कहा जाता है। जैसे ये अपने प्यूपा मान लेते हैं, अपने ये प्यूपा और ये प्यूपेरियम। अब रेशम कीट में पड़ा हुआ उसके चारों ओर जो एक प्यूपेरियम का निर्माण, एक्चुअल में क्या होता है, कीटों के अंदर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे कि अपने रेशम कीट में पड़ा है कि रेशम कीट के अंदर एक जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, वो क्या करती है, एक तरल पदार्थ का स्त्राव करता है, वो तरल पदार्थ जो है वो हवा के संपर्क में आती है, सूख जाता है, सूखने से उससे धागेनुमा संरचना बनती है, और वो धागेनुमा संरचना जो है वो लार्वा अपने चारों ओर या पीपा जो अपने चारों ओर लपेट लेता है, लपेटने से एक बाहर की ओर आवरण बन जाता है, उस आवरण को हम प्यूपेरियम कहते हैं। रेशम कीट में आपने ये पढ़ा है तो प्यूपेरियम बाहर का एक आवरण होता है जिसके अंदर पीपा स्थित रहता है। अब जैसे निर्मोचन होता है या यूँ कहते हैं जैसे वयस्क का निर्माण होता है, तो ये जो प्यूपा है ये क्या करता है, इस प्यूपेरियम को तोड़ करके क्या निकलता है, बाहर निकल के वयस्क में चेंज हो जाता है। तो प्यूपेरियम से वयस्क को बाहर निकलने के लिए एग्लोजियन हार्मोन क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो स्टूडेंट ये पांच प्रकार के जो हार्मोन्स हैं ये कीटों के अंदर क्या है, पाए जाते हैं या कीटों के अंदर बनते हैं, जो इसके हमने देखा है कि मुख्य मुख्य क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार जो अपना आज अपना ये टॉपिक है उसको अपने अब मैं थोड़ा शॉर्ट आउट कर देता हूँ कि या शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कीटों के अंदर चार प्रकार की ग्रंथियाँ हमने पढ़ी है। पहली कौन सी है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन पढ़ी है। दूसरी अपने पढ़ी है कार्पोरा कार्डिका, तीसरी कार्पोरा एलेटा, और चौथी ग्रंथि पढ़ी है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। न्यूरोसेक्रेटरी सेल के द्वारा पीटीटी हार्मोन बनता है, कार्पोरा कार्डिका उस पीटीटी हार्मोन को इकट्ठा करती है, कार्पोरा एलेटा के द्वारा जुवेनाइल हार्मोन या न्यूटिनिन हार्मोन का स्त्राव होता है, और साथ में जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है इनके द्वारा एकडाइसिन हार्मोन का स्त्राव होता है। तो हमने चारों ग्रंथियां पढ़ ली और चारों ग्रंथियों का क्या क्या कार्य है, उनके द्वारा कौन से हार्मोन बनते हैं वो अभी अपने पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं दो एक्स्ट्रा हार्मोन हमने पढ़े, बर्सिकोन हार्मोन और एक्लोजिन हार्मोन। ये भी एक्चुअल में तंत्रिका स्त्रावी हार्मोन्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल उनके द्वारा ये हार्मोन बनते हैं, जिनके भी हमें कार्य देख। अब इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ये जो तीन मुख्य हार्मोन हैं, पीटीटी हार्मोन, एक्डाइसन हार्मोन और जुवेनाइल हार्मोन, उनका आपने यदि थोड़ा सा एक कीट के लाइफ साइकिल से संबंधित अगर सिस्टम में देखें तो उससे मैं आपको इस डायग्राम से समझा पाऊँगा या इस डायग्राम को अपने समझते हैं कि कौन सा हार्मोन कब कार्य करता है। तो अपनी सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन, ये है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। अब ब्रेन के पीछे आपने देखा कार्पोरा कार्डिका होती है, जो एनसीसी फर्स्ट, एनसीसी सेकंड और एनसीसी थर्ड से न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन से जुड़ी रहती है। कार्पोरा कार्डिका के नीचे कार्पोरा एलेटा स्थित होती है, एक एक जोड़ी होती है, कार्पोरा कार्डिका कार्पोरा एलेटा भी एक जोड़ी होती है। अब देखिएगा हमने कीट की यहाँ चार अवस्था दिखाई है, वयस्क है, प्रजनन करके अंडे देते हैं, अंडे लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से क्या बनता है, वापस वयस्क बनता है, एडल्ट बनता है, ये बात आपको बताई है। अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है, पीटीटी हार्मोन बनता है। वो पीटीटी हार्मोन कौन इकट्ठा करता है, कार्पोरा कार्डिका इकट्ठा करता है, करता है कार्पोरा कार्डिका, कार्पोरा कार्डिका उसको हिमोलिम्फ में छोड़ता है, वो कांपराता है, पीटीटी हार्मोन जो है कांपराता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास आता है। अब प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो क्या करती है, हमेशा ध्यान से सुन लेना, कि अंडे से जैसे मतलब जहाँ भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आती है, क्योंकि अंडे से लार्वा बनना, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क बनना, ये क्या ग्रोथ भी हो रही है और क्या हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो जहाँ भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पर एक्डाइसिन हार्मोन की बात हमको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन इसको कहा जाता है, जीडी हार्मोन। तो अंडे से चाहे लार्वा बनना हो, लार्वा से चाहे प्यूपा, प्यूपा से चाहे वयस्क बन रहा हो, वहाँ पर कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, एक्डाइसिन हार्मोन। और एक्डाइसिन हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है, इस प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा। प्रोथोरेसिक ग्लैंड किसके प्रेशर में या किसके कनेक्शन में काम कर रही है, कार्पोरा कार्डिका का जो पीटीटी हार्मोन, और पीटीटी हार्मोन एक्चुअली बन किसके द्वारा रहा है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन के द्वारा बन रहा है। कार्पोरा कार्डिका तो केवल उसको इकट्ठा करके हिमोलिम्फ में छोड़ करके पीटीटी को कहाँ पहुँचा रही है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास पहुँचा रही है। तो जहाँ भी डेवलपमेंट की बात आती है वहाँ ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है उसका एक्डाइसिन हार्मोन काम आता है। तो पीटीटी हार्मोन कार्पोरा कार्डिका से प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास आता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड पीटीटी के जो प्रभाव में एक्डाइसिन हार्मोन का निर्माण करती है। अब देखिएगा कि जहाँ भी चाहे अंडे से लार्वा बनना हो, लार्वा से पीपा, पीपा से चाहे वयस्क बनना हो, तो इनके लिए कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, एक्डाइसिन हार्मोन। एक्डाइसिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्लैंड करती है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड करती है। अब देखिएगा कि अंडे से लार्वा बनता है, अब लार्वा जो है जब भी बनता है तो कौन से हार्मोन के कारण, मतलब बनता तो
इग्निशन के कारण है, परंतु लार्वावस्था को लार्वावस्था में बने रहने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जुवेनाइल हार्मोन। और जुवेनाइल हार्मोन का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है या कौन सी ग्रंथि करती है? कॉर्पोरा एलेटा करती है। तो कॉर्पोरा एलेटा का बना हुआ जुवेनाइल हार्मोन यानी न्यूटिनिन हार्मोन क्या करता है, इसकी कंसंट्रेशन जैसे ही हाई होती है तो लार्वावस्था लार्वा में बना रहता है, इसलिए विलियम्स ने इसे क्या कहा है, स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन। अब देखिएगा कि लार्वावस्था लार्वा में बनी रहती है इस हार्मोन के कारण, पर जैसे लार्वावस्था प्यूपा में चेंज हो रही है उसमें जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है और इग्निशन हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा होती है लार्वावस्था किस में चेंज हो जाता है, प्यूपा में। अब प्यूपा जो है, अगर प्यूपा में बना रहता है तो वापस वहाँ पर जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, परंतु प्यूपा से आगे वैसे कौन जब चेंज होता है तो वहाँ पर जुवेनाइल हार्मोन एब्सेंट हो जाता है और इग्निशन हार्मोन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में होता है। तो प्यूपा किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट में चेंज हो जाता है। अडल्ट में चेंज होने के बाद में फिर वही बात है कि इसके अंदर पूरा शरीर का वृद्धि विकास हो चुका होता है और ये आगे जब प्रजनन की क्रिया करते हैं तो वापस अंडे देंगे, अंडे जब देंगे तो अंडे से वापस क्या बनेगा, लार्वा। तो उसके लिए कौन सा चाहिए, इग्निशन हार्मोन। और इग्निशन जो है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को, डेवलपमेंट को प्रेरित कर रहा है। उसके बाद में लार्वा से फिर प्यूपा, तो लार्वा से प्यूपा बनने के लिए फिर इग्निशन चाहिए, प्यूपा से वयस्क बनने के लिए फिर हमें क्या चाहिए, इग्निशन चाहिए। तो जहाँ भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है वहाँ इग्निशन हार्मोन काम कर रहा है, इग्निशन प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा स्रावित हो रहा है। और अगर यदि कोई भी अवस्था को उसी अवस्था में रखना है तो वहाँ पर कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, जुवेनाइल हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो स्टूडेंट्स, आज अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है जो है कि एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, जिसमें अपने ग्रंथियां देख ली, हार्मोन देख लिए, और इस चार्ट के द्वारा या इस आरेखीय चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि इग्निशन हार्मोन और जो जुवेनाइल हार्मोन और जो पीटीटी हार्मोन है उनका क्या क्या कार्य, कहाँ से वो स्रावित होते हैं। थैंक यू।